मेल बॉडी को समझना जितना आसान है उतना ही इंटरेस्टिंग भी। हमारे शरीर की कुछ ऐसी एबिलिटीज और फीचर्स हैं जो शायद आपको पता भी नहीं हो और ये आपके लिए काफी सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं। कुछ फीचर्स या एबिलिटीज जैसे हर सुबह जब हम सोकर उठते हैं तब हमारी हाइट कुछ इंचेस बढ़ी हुई होती है। जिस तरह हमारा शरीर हर दिन ग्रो होता है ठीक उसी तरह काफी सारे बदलाव भी हमारी बॉडी को लगातार चेंज करते रहते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग मेल बॉडी फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। एजिंग। एजिंग मनुष्य शरीर की एक इनएविटेबल प्रोसेस है, इसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते ही रहते हैं। और अगर स्लो एजिंग की बात की जाए तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की एजिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है और इसका रीजन है कोलेजन। कोलेजन एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी स्किन पर बनता रहता है और इसी कोलेजन की मदद से हमारी स्किन प्लम्प्ड और जवान बनी रहती है। इसी वजह से पुरुषों के चेहरों की स्किन पर जो कोलेजन होता है उसके कम होने की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। महिलाओं के फेस की स्किन पर कोलेजन जल्दी जल्दी कम होने लगता है और इसी वजह से उनके चेहरे पर रिंकल्स और साइंस ऑफ एजिंग जल्दी दिखने लगते हैं और पुरुषों में साइंस ऑफ एजिंग धीरे धीरे और देर से आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखें तो जरूर हमारी स्किन समय से पहले बूढ़ी हो सकती है, इसलिए पुरुषों को भी अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए। फेशियल हेयर। बियर्ड ट्रेंड आज हर इंसान फॉलो कर रहा है। वैसे मैं भी मूंछों के साथ बियर्ड फॉलो करता ही हूँ और मैं उसे अचीव कर पाया हूँ विद द हेल्प ऑफ मुस्टैक बियर्ड ग्रोथ ऑयल। ये ऑयल पूरी तरह ऑर्गेनिक है और ये मिलकर बना है होहोबा ऑयल, स्वीट ऑलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सैंडलवुड ऑयल और सेडारवुड ऑयल से। ये पूरी तरह नेचुरल है और इसके इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में आप भी अपनी मनचाही दाढ़ी पा सकते हैं। आप इनके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। एक पुरुष के चेहरे पर घनी दाढ़ी उसके लुक्स से लेकर उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर देती है और ऐसा नहीं है कि फेशियल हेयर फीमेल्स के चेहरे पर नहीं होते, उनके चेहरे पर होते हैं लेकिन वो माइक्रो फेशियल हेयर होते हैं और फीमेल्स के चेहरे पर फेशियल हेयर बढ़ भी नहीं पाते। इसका रीजन ये है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है और इसी की वजह से हमारे चेहरे पर दाढ़ी और मूछ आती है। हमारे चेहरे पर बालों का उगना भी हमारी प्यूबर्टी में ही शुरू होता है। आमतौर पर 25 से 30 साल की उम्र तक हमारी दाढ़ी पूरी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दाढ़ी ना उगने की समस्या रहती है। पर आप घबराइए मत क्योंकि ये भी बॉल्डनेस की तरह ही हेरेडिटरी होता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से एक पॉपुलर मिथ बिल्कुल निकाल फेंकिए कि ज्यादा शेव करने से हमारी दाढ़ी जल्दी बढ़ती है और घनी होती है। शेव करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी ये है कि हमारी दाढ़ी के बालों की ग्रोथ उनके जड़ से काटने से बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि उन्हें उगते रहने देने से होती है। जितना आप अपनी दाढ़ी को बढ़ने देंगे वो समय के साथ साथ उतनी ही घनी होगी। एडम्स एप्पल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्यूबर्टी की एक एज होती है और प्यूबर्टी ही वो समय है जब हमारे शरीर में काफी बदलाव होते हैं। उन्हीं बदलावों में से एक है ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडम्स एप्पल सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं होता बल्कि जानवरों के गले में भी एडम्स एप्पल पाया जाता है और जानवरों में भी मेल एनिमल्स के एडम्स एप्पल का साइज फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। एडम्स एप्पल हमारे गले की कड़ी लचीली हड्डी होती है जो हमारे लिरिंग्स को कवर करती है और जैसे जैसे हमारा लिरिंग्स बढ़ता है उसके साथ साथ एडम्स एप्पल का साइज भी बढ़ता जाता है और पुरुषों की भारी आवाज या लो पिच आवाज लिरिंग्स के साइज की वजह से ही होती है। और इतना ही नहीं, फीमेल्स के गले में जो एडम्स एप्पल होता है उसका साइज मेल्स के मुकाबले कम होता है, हेंस उनकी लो पिच आवाज। बॉल्डनेस यानी गंजापन। गंजापन हम सभी के लिए किसी डरावने नाइटमेयर से कम नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डर्मेटोलॉजी की एक साइंटिफिक रिसर्च में ये सामने आया कि आम तौर पर नहाते समय लोगों के 50 से 100 बाल झड़ते ही हैं और हमारे सर पर करोड़ों बालों में से अगर 50 या 100 बाल झड़ गए तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन गंजापन बहुत सारे पुरुषों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। गंजापन यूजुअली हेरेडिटरी होता है
अगर किसी के फादर को गंजेपन की समस्या है तो उस इंसान को वही समस्या होने की 60% चांसेस होते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस भी मेजर कंटेंडर्स हैं गंजापन बढ़ाने में। बॉल्डनेस के लक्षण हमारी टीन एज से भी दिखने शुरू हो सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि पूरे गंजेपन में लगभग 15 से 25 साल लग जाते हैं। लिसनिंग, जब एक मेल किसी बात को सुनता है तब वो सिर्फ अपना आधा दिमाग ही इस्तेमाल करता है, और ये एक रीजन हो सकता है बात करते समय लेडीज के चिढ़ जाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेडीज का दिमाग ज्यादा सक्षम होता है क्योंकि वो पूरा दिमाग इस्तेमाल करती हैं। रियलिटी ये है कि महिलाओं को इन्फॉर्मेशन और लैंग्वेज दोनों एक साथ प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेल्स को ऐसी मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, और इसीलिए फीमेल्स को अपने पूरे दिमाग से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। वहीं पुरुषों के लिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन पूरा दिमाग इस्तेमाल करने का एक एडवांटेज ये है कि फीमेल्स एक साथ दो कॉन्वर्सेशंस को सुनकर समझ सकती हैं। बिगर ब्रेन्स, ये फैक्ट फिजिकली तो सच ही है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली भी ये फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पुरुषों के शरीर की बनावट महिलाओं से काफी बड़ी होती है, और साथ साथ ज्यादा मसल मास होने की वजह से शरीर को कंट्रोल करने के लिए उनके दिमाग को ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए ब्रेन एक्टिविटी भी काफी बढ़ जाती है। कुछ समय पहले एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा अकलमंद या स्मार्ट होते हैं। टेक्निकली पुरुष और महिला दोनों के ब्रेन्स में काफी फर्क होता है। इमोशंस, पुरुषों और इमोशंस का नाता बहुत ही दूर का है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुष बातचीत के दौरान सिर्फ लॉजिक अप्लाई करने में विश्वास रखते हैं, और ये ही वजह है कि मेल्स अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। महिलाओं की सुने तो ये हर वाइफ, गर्लफ्रेंड या पार्टनर की शिकायत है कि मेल्स बातचीत करते समय उस कॉन्वर्सेशन में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, और इसी वजह से वो उनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन ये इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लेडीज लव के एक्सप्रेशन को कहे जाने वाले शब्दों से कंफ्यूज कर लेती हैं, और सच्चाई ये है कि मेल्स लव के इमोशन को डेफिनेटली फील तो करते हैं, लेकिन उनका इस इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, और मेल्स मोस्टली जेस्चर्स और एक्शंस में विश्वास रखते हैं, और यही वजह है कि औरतों के मुकाबले ज्यादातर आदमी अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करते। तो गर्ल्स डोंट वरी, अगर आपके पार्टनर्स आपसे खुलकर बात नहीं करते, बस इशारों को समझिए। थिक स्किन, जी नहीं, ये इंग्लिश फ्रेज थिक स्किन यानी निर्लज्ज नहीं है। वेल, पुरुषों की चमड़ी लिटरली थोड़ी मोटी होती है, ऑफ कोर्स महिलाओं के कंपैरिजन में। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की चमड़ी 25% से ज्यादा मोटी होती है। ये भी एक कारण हो सकता है पुरुषों की स्लो एजिंग का। जी हाँ, एक गेंडे की ही तरह पुरुषों को भी छोटे मोटे ब्रूजेस या पंचेस से कुछ नहीं होता, और इस थिक स्किन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। हमारी स्किन की परत बढ़ते और घटते टेस्टोस्टेरोन लेवल्स से मोटी होती जाती है। फन फैक्ट, इसे हॉर्नी लेयर भी कहा जाता है, और सरप्राइजिंगली पुरुषों की स्किन पर इलास्टिन और कोलेजन की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, और ये भी एक कारण है मोटी चमड़ी का। तो हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।